अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे हरी मूंग की दाल की भजिया। जो चिक्कल वाली हरी मूंग होती है, वह हरी मूंग की हम भजिया बनाएंगे, जिसे हमने एक घंटा पानी में भिगा लिया था। इसके बाद इसका पानी निथाल लिया है, अच्छे से दाल को हमने धो दिया है और अब इसको हम पीस लेंगे। इसके हमने दाल डाल दी है इसके जार के अंदर, और इसके अंदर हमने ज़ीरा डाल दिया है। ये हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डाला है, ये हाफ़ टी स्पून हमने ज़ीरा डाल लिया है। अब अदरक का टुकड़ा डालेंगे, छोटा टुकड़ा अदरक काट के डाला है हमने। ये हरी मिर्ची डाली है हमने, चार हरी मिर्ची, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। ये चार कली छोटी से हमने लहसुन लिया है, वो भी डाल देंगे। और अब इसको हम थोड़ा पानी डाल के पीस लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे इसका। हमारी दाल, हमने सब दाल अच्छे से पीस लिए हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे पीसा है, ज़्यादा पानी नहीं लगा है हमें, क्योंकि हमारी दाल अच्छे से भीगी हुई थी, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना लिया है। हमने जो एक मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए थे, इसमें हमने हल्दी डाल दी है हाफ़ टी स्पून, और नमक डाला है 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब इसको हम अच्छे से मस लेंगे। मेरे हाथ धुले हुए साफ़ है, अच्छे से इसको मसल के फिर इसके अंदर जो हमने दाल करी है, पीसी हुई है, वो मिक्स करेंगे। इसको पहले अच्छे से हम मसल लेते हैं। प्याज, नमक और हल्दी हमने अच्छे से मसल लिए है इसमें। अब इसके अंदर ये जो हमारी दाल पीसी हुई वो डाल देंगे। ये दाल डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से हमने दाल को मिक्स कर लिया है प्याज, नमक और हल्दी में। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये सोए की सब्ज़ी, जिसे दिल लीव्स बोलते हैं, ये डालेंगे। और इसमें धनिया चॉप किया हुआ डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। अभी देखिए हमारी दाल अच्छे से मिक्स हो गई है। धनिया और सोए की सब्ज़ी डाल के भी हमने मिक्स किया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालेंगे, ये 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून भर के डाला है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा थिकनेस हो जाए भजिया जैसा, फिर हम स्टॉप कर देंगे, फिर नहीं डालेंगे हम। देखिए हमने चावल का आटा डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया। हमने 6 टीस्पून भर के चावल का आटा डाला इसके अंदर, और इसके अंदर देखिए ये इतना गाढ़ा हुआ है भजिए के जैसा, ऐसे ही हमें चाहिए। चलिए हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, हम अभी इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो गया हमारा अच्छे से, अभी हम ये भजिया डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने हिसाब से साइज़ डाल सकते हैं, छोटी बड़ी जैसे आपको खाना है। भजिया हमारी अच्छे से फ्राई हो रही है। हमने ऑयल को अच्छे से गर्म किया था, और भजिया डालने के टाइम ऑयल हमने स्लो कर दिया। अब भजिया डालने के बाद हमने गैस वापस से फास्ट कर दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म किया था और भजिया डालने के टाइम हमने गैस स्लो कर दिया था, और भजिया डालने के बाद हमने गैस वापस से फास्ट किया है, और इसको फास्ट गैस पर हम फ्राई कर रहे हैं। जब मेरी भजिया होने आई है, 1-2 मिनट और इसको तेल में रहने देंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे, फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। हमारी भजिया अच्छे से फ्राई हो गई है, अभी हम सब भजिए को निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्लास से हमारी भजिया फ्राई हुई है, अच्छे से क्रिस्पी हुई है। देखिए हमने एक भजिया तोड़ के रखी है यहाँ पे,
आप देख रहे होंगे, देखिए अच्छे से क्रिस्पी हुई हमारी सब भजियाँ। आप भी ऐसे ही ट्राई करना बनाना, ये रेसिपी से बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है।